हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं रैपिड फायर रिवीजन ऑफ हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज। आई होप आपने इससे पहले के टेस्ट जो है सॉल्व कर लिए हैं। ये है आपका टेस्ट नंबर 7। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 7 को। 1 by 1 क्वेश्चन देखते हैं प्लस उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो पहला क्वेश्चन आर्ट एंड आर्किटेक्चर से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। देखिए, आर्किटेक्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आर्ट एंड कल्चर इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें से भी अगर बात करें तो आपका जो टॉपिक है आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे इंडिया में वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स, बट अगर हम मेजर स्कूल्स की बात करें तो वी हैव गॉट द्रविड़, नगर एंड वसारा। तो 3 मेजर स्कूल्स हैं, फिर फर्दर इनका डिवीजन है। तो क्वेश्चंस आपको जो पूछा गया है दैट इज रिगार्डिंग द द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। स्टेटमेंट नंबर 1, द शिखर इंक्लाइनिंग इनवर्ड्स इन ए कॉन्वेक्स कर्व, प्रेजेंस ऑफ टेम्पल टैंक्स और वेल्स, लार्ज टावरिंग गेटवे ऑन द एंट्रेंस वॉल। ये आपके 3 स्टेटमेंट हैं। आपसे पूछा गया है कि द्रविड़ स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसका जवाब क्या है। आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, देन कम बैक एंड लुक फॉर द आंसर। तो इसका सही जवाब है बी, दैट इज 2 and 3 इज द करेक्टरिस्टिक फीचर। आपका जो फर्स्ट है वो द्रविड़ का फीचर नहीं होता है। तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 क्यों इनकरेक्ट है। देखिए, मैंने आपको बताया नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो कि आपका नॉर्थ इंडिया में है, उधर द्रविड़ जो कि आपका साउथ इंडिया का स्टाइल है। तो इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो है विमान या शिखर की शेप का। तो आप इस वीडियो में देखें दैट ये है नॉर्थ इंडिया का एग्जाम्पल, ये है साउथ इंडिया का एग्जाम्पल। तो ये जो आप टावर देख रहे हैं ये आपका नॉर्थ इंडिया में इसको शिखर बोला जाता है, और अगर आप साउथ इंडिया में जाएं तो उसको विमान बोला जाता है। तो शिखर जो है वो आपका कर्व्ड होता है इनवर्ड्स। तो आपको क्या स्टेटमेंट में पूछा गया था कि साउथ इंडिया में द्रविड़ स्टाइल में जो टावर है वो कर्व्ड इनवर्ड्स करता है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर आप इसको देखें ध्यान से तो ये आपका पिरामिडल फॉर्म में होता है, ना कि कर्व फॉर्म में होता है। जैसे पिरामिड्स होते हैं लाइक दिस, लाइक दिस, दिस इज पिरामिडल, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। सो साउथ इंडिया में जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसमें जो आपका विमान है वो पिरामिडल होता है, और अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें शिखर वो कर्व करता है इनवर्ड्स की तरफ। तो दैट इज वाई स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट। अगर दूसरी बात करें तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, क्योंकि क्या पूछा गया है आपको कि जो द्रविड़ स्कूल टेम्पल आर्किटेक्चर है उसमें टेम्पल में आपके वाटर टैंक्स होते हैं, सरोवर होते हैं। तो दैट इज 1 स्टेटमेंट यू नीड टू रिमेंबर। नॉर्थ इंडिया में इट्स एक्सेप्शन, इट्स नॉट काइंड ऑफ कंपल्सरी कि होगा ही होगा, बट साउथ इंडिया में ये मेजर फीचर है कि टेम्पल जो कंपाउंड है उसमें आपका टैंक आपको मिलेगा। स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट ऑल्सो, क्योंकि अगर आप साउथ इंडिया के टेम्पल्स देखें तो वहां पे जो एंट्रेंस गेट्स होते हैं टेम्पल के वो बहुत ही बड़े बनाए जाते हैं, और उनको आपका बोला जाता है गोपुरम। तो इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, वाटर टैंक्स होते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट, वहां पे लार्ज एंट्रेंस गेट्स होते हैं जिनको गोपुरम बोला जाता है। तो इसीलिए इसका सही जवाब है 2 and 3 आर राइट, जो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 है वो गलत है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 रिगार्डिंग द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, इन द बिगिनिंग ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स and communal, but later he emphasized on the unity of Hindu-Muslim. पहला statement। Second statement है आपका, he established college in Aligarh to educate Indians about oppression of a foreign rule. Statement number 3rd, he advised educationally backward Muslims to focus on modern education rather than politics. तो सर सैयद अहमद खान रिफॉर्मर रहे हैं इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, तो उनके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो आपसे क्या पूछा गया, ध्यान रखिएगा, दैट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं इसका आंसर बी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर रॉन्ग। आपसे यही पूछा गया, नॉट करेक्ट। अब देखते हैं क्यों गलत है और सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ठीक क्यों है। देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 इसलिए गलत है क्योंकि अगर आप सर सैयद अहमद खान का जो लाइफ है उसको देखें तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि यस अर्ली ईयर्स में वो एडवोकेट कर रहे थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी, बट जैसे जैसे आपका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चला ब्रिटिशर्स का, तो उनको अपना जो रुख था मोड़ना पड़ा और थोड़ा सा उनका टिल्ट हुआ टुवर्ड्स द कम्युनलिज्म। तो यस यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि अर्ली में वो कॉम्युनल थे, लेटर वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करते हैं, बट इट इज अदर वे अराउंड। ही वॉज अ रिफॉर्मर, मुस्लिम्स इस्लाम में आपका रिफॉर्म लाना चाहते थे, बहुत काम भी किया उन्होंने, बहुत सारे इंस्टीट्यूट को फॉर्म किया एंड सो ऑन। स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट क्योंकि ही डिड नॉट अपोज ब्रिटिश रूल। देखिए हुआ क्या, 1857 में जब रिवोल्ट हुआ तो ब्रिटिश ने सारा का सारा जिम्मेदारी मुस्लिम्स पे डाल दिया कि इनके कारण रिवोल्ट हुआ। तो यहाँ पे आपका लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की जब नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, तो उनको लगा दैट लेट्स प्ले डिवाइड एंड रूल। तो उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस को हराने के लिए आपका मुस्लिम्स को सपोर्ट करना स्टार्ट किया, उनकी पार्टीज को सपोर्ट करना स्टार्ट किया, उनको थोड़े प्रोविजन देने स्टार्ट कर दिए। तो ये बहुत ही सोची समझी चाल थी ब्रिटिशर्स की, लेट्स डिवाइड एंड रूल। तो इसी के चलते आपका जो आपके सर सैयद अहमद खान थे उन्होंने ब्रिटिश रूल को अपोज नहीं किया और उन्होंने ये सोचा कि आपका टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिसलॉज बाय अनएजुकेटेड इंडियंस। तो अगर जब उनका मेन स्ट्रेस था कि एजुकेशन होना चाहिए, दैट फर्स्ट यू गेट एजुकेशन देन यू फाइट फॉर योर राइट्स बिकॉज देन यू विल रीच द बेटर पोजिशन टू फाइट अगेंस्ट मैमथ रूल ऑफ द मैमथ एम्पायर ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने ब्रिटिश रूल को आपका अपोज नहीं किया था। थर्ड आता है करेक्ट, उन्होंने इंडियंस को बोला कि पहले आप एजुकेशन गेन कर लीजिए, स्पेशली मुस्लिम्स को बोला कि अभी टाइम सही नहीं है आप पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का, पहले आपने आपको मजबूत बनाइए एजुकेशनल वाइज, आप अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाएं, तब जाके आपका कहीं पॉइंट बनता है कि आप पॉलिटिक्स में आप एंटर कर सकते हैं। तो इसी के चलते ये बहुत मेन स्टेटमेंट है कि उन्होंने पहले उनको बोला एजुकेशन लें देन यू एंटर इन टू पॉलिटिक्स because if you reach the good positions then you will be in a position to oppose or take any political stand. So that was Sir Sayed Ahmad Khan. अब यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूँ that ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है social reform movements and leaders, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से करना है। बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम योर राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्मो समाज, then you had your Swami Vivekanand, then you have Swami Dayanand Saraswati, then उसी आपका सर सैयद अहमद खान। तो आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 3, with reference to Indian National Congress session at Lucknow in 1916, consider the following statements. It was presided over by Annie Besant. At this session, extremists were accepted back into Congress. Congress decided to oppose Muslim League's डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है लखनऊ सेशन 1916 का। मैंने आपको पहले ही बताया है जितने भी आपके कांग्रेस के सेशन हैं आपको अच्छे से पढ़ना है, प्रेसिडेंट कौन था, कहाँ हुआ और इसका आउटकम क्या है, 3 चीजें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। आपसे पूछा गया है कि अबव स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। ओके द स्टेटमेंट नंबर, सो द आंसर इज बी, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 इज राइट। आइए देखते हैं क्यों फर्स्ट एंड थर्ड रॉन्ग है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज नॉट करेक्ट क्योंकि ये जो सेशन था इसके प्रेसिडेंट अंबिका चरण मजूमदार थे, एनी बेसेंट नहीं थे। तो यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। स्टेटमेंट नंबर 2 इज राइट, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट उनको उनकी फिर से वापसी हुई थी आपके कांग्रेस के अंदर। अगर थोड़ा सा आपको कांग्रेस या नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट का इतिहास पता हो तो 1907 सूरत जो सेशन था उसमें आपका डिवीजन आ गया था कांग्रेस के अंदर। तो इतने सालों के बाद धीरे धीरे माहौल बनता है, धीरे धीरे जो आपके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे वो दूर होते हैं और चलते चलते 1916 में वो पल आता है जब आपका एक्सट्रीमिस्ट को फिर से एंट्री मिल जाती है आपका कहाँ, कांग्रेस के अंदर। सो दैट इज व्हाई इट इज राइट। स्टेटमेंट नंबर 3 इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये जो सेशन था लखनऊ सेशन 1916 का, ये एक्सट्रीमिस्ट की एंट्री के लिए तो फेमस है ही है, बट इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, दैट इज कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में पैक्ट हुआ था जिसको लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है। तो इसके अंदर जो डिसीजन निकला मुस्लिम लीग का सपोर्ट लेने के लिए और कांग्रेस के बीच में जो डिफरेंसेस थे उसको दूर किया गया, और यहाँ पे जो मुस्लिम लीग की मेजर डिमांड थी, क्या डिमांड थी, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग की आपकी ये डिमांड मान लिया गया, लेट्स हैव द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने आपका कांग्रेस का ये डिमांड माना कि हमें एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करना चाहिए ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके रिविजन्स हैं, प्रोविजंस आप एड ऑन करवाना चाहते हैं, वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सो दैट इज व्हाई कांग्रेस जो लखनऊ सेशन था 1916 का, उसमें एक्सट्रीमिस्ट का एंट्री तो होता ही होता है, बट इसके साथ साथ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और जो आपका मुस्लिम लीग है उसके बीच में भी पैक्ट और यानी कि करार साइन हो जाता है, मतभेद को बुला के, डिफरेंसेस को बुला के अपना कॉमन फ्रंट प्रेजेंट करने की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड टू। देखिए हमारी हिस्ट्री में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की गई हैं, ब्रिटिश के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी ताकि इंडिया का जो क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जो बात है वो आगे कैसे बढ़े। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों ऑर्गेनाइज की गई थी, टू अपीज मुस्लिम लीग एंड अदर कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस द साइमन कमीशन रिपोर्ट, टू अप्रूव गांधी इरविन पैक्ट, डिबेट ऑन एट्रॉसिटीज ड्यूरिंग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब है बी, दैट इज डिस्कस द साइमन कमीशन रिपोर्ट। 1927 में आपका साइमन कमीशन को बनाया जाता है, वो इंडिया आता है और वहाँ पे आपका डिस्कशंस होती हैं, तो वो अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, बट दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडियंस। तो यहाँ पे साइमन कमीशन को डिस्कस करने के लिए आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका दिसंबर 1930 टू जनवरी 1931, इस टाइम के बीच में आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब यहाँ पे इंडियंस जाते हैं और ये पहला मौका था जब आपका ऑन इक्वल लेवल पे आके बातचीत होती है, बट प्रॉब्लम क्या थी फर्स्ट लीग का, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, गांधी जी ने या कांग्रेस में से किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो यहाँ पे अब मेजर पार्टी आपका पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो दैट इज नो फ्रूट एक्सरसाइज काइंड ऑफ, कि इसका कोई आपका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो इसी तरह फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका फेल हो जाता है। थोड़ा और बता देता हूं आपको, फिर जब बारी आई सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, तो यहाँ पे ब्रिटिश को लगा कि अब हमें पार्टिसिपेशन करवाना जरूरी है गांधी जी और कांग्रेस का, तो इसी के चलते सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ और गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, बट उसका भी कुछ रिजल्ट नहीं निकलता और वो वापस आ जाते हैं। तो प्लीज डू रिमेंबर, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में से सिर्फ सेकंड में आपका गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट एंड थर्ड में नहीं किया था। सो दैट इज द वन क्वेश्चन, क्यों बनाया गया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, साइमन कमीशन रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका एंशिएंट हिस्ट्री से, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी, हरप्पन सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन एंड सो ऑन। इट बिलोंग्स टू द आयरन एज, Elephants were not domesticated by the Indus people. Cotton was used for manufacturing textile. ये आपके तीन स्टेटमेंट हैं आईबीसी से रिलेटेड, एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। द बी इज राइट, दैट इज 3 ओनली। सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ठीक है और फर्स्ट एंड सेकंड गलत हैं। क्यों गलत हैं? ऑब्वियस, स्टेटमेंट नंबर 1 वेरी इजी, हम सबको पता है कि जो आईवीसी है या इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस कल्चर है, वो आपका ब्रोंज एज से बिलोंग करता है, ना कि आयरन एज से। ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करता है आईवीसी, ना कि आयरन एज। आयरन एज आपका वैदिक पीरियड में स्टार्ट होती है, तकरीबन 1000 BC के आसपास। तब आपका आयरन डिस्कवर होता है, आयरन यूज करना स्टार्ट करते हैं, आयरन एज स्टार्ट होती है। बट आईवीसी ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करता है। स्टेटमेंट नंबर 2 भी गलत इसलिए है क्योंकि एलिफेंट्स वर वेरी वेल नोन टू द इंडस पीपल। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि वो आपका एलिफेंट्स को डोमेस्टिकेट नहीं करते थे, बट ये गलत है। एलिफेंट्स वर वेरी वेल नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से एनिमल वो यूज करते थे, कौन सा एनिमल प्रेजेंट है, कौन सा एब्सेंट था, एंड सो ऑन। स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट, क्योंकि अगर कॉटन की बात की जाए तो कॉटन आपका जो आईवीसी के लोग थे, दे वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन, और उससे बने हुए टेक्सटाइल्स यूज करने वाले पहली सभ्यता के लोग थे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 आर रॉन्ग। स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, the extremist leaders of Indian National Congress supported the government in World War I because, देखिए World War I 1914 में स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स लाल बाल पाल, तो इन्होंने आपका सपोर्ट क्यों किया गवर्नमेंट को वर्ल्ड वॉर 1 में? तो आपके रीजंस हैं, द ब्रिटिश ग्रांटेड मेजॉरिटी ऑफ देयर डिमांड्स थ्रू मिंटो-मॉर्ले रिफॉर्म्स, पहला स्टेटमेंट। दे होप्ड दैट ब्रिटेन वुड रीपे इंडियाज लॉयल्टी विद द सेल्फ गवर्नमेंट। थर्ड, द वॉर हैड इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया by way of increased demand, the Britain's cause of war was just। तो यहाँ पे 4 रीजन दिए हुए हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने आपका वर्ल्ड वॉर 1 को क्यों सपोर्ट किया गया था। आइए पहले आंसर देखते हैं, बी सिंपल। अब मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए उस टाइम हमारा जो लीडरशिप था 3 टाइप्स में डिवाइडेड था, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड रेवोल्यूशनरीज। तो मॉडरेट ने पार्टिसिपेशन हाँ बोल दिया, दैट ओके वी आर विद यू, क्योंकि उनको लगा द कॉज इज जस्ट और ये उनकी ड्यूटी है कि वो ब्रिटेन को सपोर्ट करें। तो मॉडरेट्स ने तो आपका इस चक्कर में आपका सपोर्ट कर दिया ब्रिटेन गवर्नमेंट को वर्ल्ड वॉर 1 में। बारी आती है एक्सट्रीमिस्ट की, जैसे लाल बाल पाल हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्यों सपोर्ट किया? देखिए यहां पे मैं उसका आंसर बता देता हूं कि उनको लगा, उनका ये बिलीव था और ये मिस्टेकन बिलीव था कि अगर हम ब्रिटेन को सपोर्ट करें तो ग्रेटफुल ब्रिटेन रीपे करेगा इंडिया की लॉयल्टी और वॉर के बाद इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसेशंस दिए जाएंगे जिससे इंडिया वाले सेल्फ गवर्नमेंट बना पाएंगे। तो ये मिस्टेकन बिलीव था, उनको लगा कि इनकी हेल्प कर दीजिए और जब वॉर खत्म होगा तो हमें रीपे करेंगे, हमारी लॉयल्टी को रीपे करेंगे। गलत था। थर्ड आते हैं रेवोल्यूशनरी, तो रेवोल्यूशनरी ने सपोर्ट नहीं किया था, उन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी देखा और उन्होंने आर्म्ड रेबेलियन स्टार्ट करा कि राइट टाइम है अभी, हम वॉर वायलेंस फोर्स यूज करके ब्रिटेन को हरा सकते हैं। तो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट ने क्यों सपोर्ट किया? मिस्टेकन बिलीव कि कल को आपको वॉर के बाद आपके कंसेशंस मिलेंगे। तो आइए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विद रेफरेंस टू रिवोल्ट ऑफ 1857 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर करेक्टली मैच्ड। एक तरफ जगह का नाम स्टॉर्म सेंटर, दूसरी तरफ उस जगह के सामने क्या वो लीडर था या नहीं था। तो यहाँ पे लखनऊ, बेगम हजरत महल, बरेली, कुंवर सिंह, फैजाबाद, खान बहादुर, दिल्ली, जनरल बख्त खान। तो आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पेयर ठीक है, मैच करेक्टली किया गया है। आंसर इज सी, ओनली फर्स्ट लखनऊ में बेगम हजरत महल ने लीड किया और आपका फोर्थ दिल्ली में जनरल बख्त खान ने लीड किया था। देखिए जब भी आप रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ें तो आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि किस प्लेस पे किस लीडर ने आपका रोल प्ले किया था और लीडरशिप प्रोवाइड की थी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे कि लखनऊ, बेगम हजरत महल, बरेली, खान बहादुर, फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला, दिल्ली जनरल बख्त खान, कुंवर सिंह वो बिहार से थे, जगदीशपुर एक जगह है वहाँ के जमींदार, तो उन्होंने भी आपका लीडरशिप रोल प्ले किया था। तो ये था आपका टेस्ट नंबर 7। आई होप यू हैव वॉच्ड ऑल अदर टेस्ट। प्लीज अपने आप को प्रिपेयर करें, अपनी नॉलेज को रिवाइज करें, इनहैंस करें थ्रू दीज टेस्ट। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्रिंस सिविल सर्विसेज, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग फ्रॉम अदर वीडियोज एज वेल। थैंक यू।